हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स स्टडी कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। कुछ और क्वेरीज क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन अपना टॉपिक और क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन मुझे गिवन है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट देयर इज अ पार्टिकल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ऑफ मास स्मॉल एम कनेक्टेड विद अ हैंगिंग बॉब, कनेक्टेड विद अ हैंगिंग बॉब ऑफ मास कैपिटल एम, ऑफ मास कैपिटल एम बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सटेंड नहीं हो सकती स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है अपन ने। इस स्टेशनरी इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, रिलेटिव टू द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेटफॉर्म, पार्टिकल एंड प्लेटफॉर्म इज म्यू, is mu. Find the, दो चीज़ें फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट तो फाइंड करवा रहा है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ओमेगा वन से डिनोट कर रहा है, और दूसरा पूछ रहा है मिनिमम एंगुलर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा टू से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम गिवन है साथ में, डायग्राम को और देख लेते हैं। ये अपना एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर ठीक रोटेटिंग है, रोटेट कर रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अटैच है ये थ्री लेग्स के साथ इधर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है तो रोटेट कर रहा है ना, ये इसका सेंटर हो गया, ये इससे रोटेट कर रहा है, इसी वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये लाइट, है ना। अब बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मास एम का जो हैंगिंग बॉब से कनेक्टेड है मास कैपिटल एम के साथ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से रिलेटिव टू रिलेटिव प्लेटफॉर्म,
ठीक है। तो डायग्राम में गिवन है कि भाई यहाँ होल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग मैंने पास करवाई है इस होल से होती हुई, और ये मास स्मॉल एम यहाँ रख दिया, ठीक है। स्ट्रिंग का जो सेकंड एंड है इसमें से होता हुआ इस होल से, और इधर उसके साथ ये मास कैपिटल एम अटैच है ना, ऐसे स्मॉल एम इधर कैपिटल एम है, और ये इस होल में से होता हुआ इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये आर इसका इधर अपन को डिस्टेंस गिवन है सेंटर से, होल सेंटर पे है। अब ये बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम कनेक्टेड विद द हैंगिंग बॉब ऑफ मास कैपिटल एम बाय एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज स्टेशनरी रिलेटिव टू रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो रोटेट कर रहा है लेकिन जो अपना स्मॉल एम मास है वो कैसा है, स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ कहाँ, प्लेटफॉर्म और पार्टिकल में, इन दोनों के बीच में कितना दे रखा है, वो म्यू दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट मुझे, ठीक है। तो एक तो मेरे से पूछ रहा है क्या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, और एक मेरे से पूछ रहा है क्या मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि फोर्स कौन कौन से लगेंगे वो देखो पहले, तो ये स्मॉल एम मास जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर रखा हुआ है तो देखो इसके अंदर एम है स्मॉल एम मास, तो वेट फोर्स एम जी लगेगा। अब साइड में क्या लगेगा, रिएक्शन लगाएगा सरफेस, कितना लेट रिएक्शन एन लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्री पिटल फोर्स लगना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ना जिसकी आर लेंथ है होल से लेके और पार्टिकल तक, ये क्या करेगा इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगी, क्यों इसके साथ एम अटैच है, तो टेंशन किधर लगेगी अंदर की तरफ, ये टेंशन टी लग जाएगी, ठीक है। ये सारे फोर्स यहाँ पे लगेंगे। अब क्या होगा कि भाई ये जो कैपिटल एम है अच्छा इक्विलिब्रियम में है, कहीं पे मूव तो कर नहीं रहा, तो नेट फोर्स तो जीरो है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कैपिटल एम की, तो ये कैपिटल एम तो यहाँ पे है, इसमें कैपिटल एम जी वेट फोर्स ऊपर क्या लग जाएगी टेंशन टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम जी, ये तो टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन लगेगा। अब दो केस बोल रहा है, फर्स्ट तो जब एक बार कब, एक बार जब अपनी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, तो पहले मैक्सिमम का केस देखें। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी में ये किधर स्लाइड करना चाहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी में ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है भाई। वो कार वाला अपन ने एग्जांपल किया था ना फ्लोर वाला, अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो नीचे आएगा सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम है तो दूर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स है, ठीक है, तो फिर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर सेंटर की तरफ लगेगा। तो अंदर सेंटर की तरफ इस पर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो जाएगा मैक्सिमम के केस में, ठीक है। सारे फोर्स तो इक्विलिब्रियम में है, सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाई कर दो, तो इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाई कर दो तो एन इक्वल टू तो क्या हो गया एम जी वन टू, इधर क्या हो जाएगा टी प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है एम जी है, कौन सा कैपिटल एम जी, ठीक है। स्मॉल एफ क्या हो जाएगा म्यू एन होता है, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कौन सा हो गया ये मैक्सिमम वाला, ठीक है। सो एम जी म्यू एन रिएक्शन फोर्स कितना है स्मॉल एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर और मैं साथ में क्या आ जाएगा आर, ठीक है। क्या फाइंड करना है मेरे को, मेरे को तो ओमेगा मैक्स फाइंड करना, सॉल्व कर सकता हूँ इसको, सॉल्व कर लो क्या हो गया ये भाई, इधर से ओमेगा मैक्स फाइंड करना है मेरे को ओनली, तो इधर से जी कॉमन ले लिया मैंने कैपिटल एम प्लस न्यू स्मॉल एम, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा स्मॉल एम इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर, तो ओमेगा मैक्स इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट जी
कैपिटल एम और प्लस म्यू एम अपॉन का क्या आ जाएगा एम आर, ये हो जाएगी अपनी क्या। अच्छा कैपिटल आर से डिनोट की है रेडियस, मैंने कैपिटल आर रख दो, ठीक है कैपिटल आर हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो भी कैपिटल आर। सो द ओमेगा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बीम माइट बी अंडर रूट जी कैपिटल एम प्लस म्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है भाई आगे बात समझ में। सेकेंड केस में क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी मतलब फिर अंदर की तरफ जाएगा, अंदर स्लिप करेगा, तो अंदर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, तो इसका मतलब फोर्सेस की कंडीशन यहाँ क्या हो गई, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर अंदर, टेंशन टी फ्रिक्शन एफ बाहर, और वो एन और एम जी तो है ही, ऊपर एन नीचे एम जी, ठीक है पर फोर्स तो इक्विलिब्रियम में ही है, स्लाइड तो कर नहीं रहा, ठीक है टेंडेंसी है स्लाइड करने की, तो इक्विलिब्रियम है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है तो टी टी कितनी है एम जी है, इक्वेशन वन में मेरे पास वही पुट करेंगे अपन, इक्वल टू एफ इज म्यू एन विच इज म्यू एम जी प्लस में क्या हो जाएगा एम ओमेगा दिस इज मिनिमम, और स्क्वायर में क्या आ जाएगा कैपिटल आर है ये, ठीक है क्या चाहिए मेरे को ओमेगा चाहिए ओनली, तो क्या हो जाएगा दिस इज एम जी माइनस का म्यू एम जी अपॉन में क्या आ जाएगा एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, तो ओमेगा मिनिमम मेरा क्या आ जाएगा, ओमेगा मिनिमम मेरा आ जाएगा अंडर रूट जी कॉमन ले लूँ कैपिटल एम माइनस का म्यू स्मॉल एम और अपॉन में हो जाएगा स्मॉल एम इंटू आर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा मिनिमम, ये वो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी जिससे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है वहाँ पे स्टेबल रह सकता है, मतलब अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है ना स्मॉल एम उसको स्टेबल रखना है तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ओमेगा मिनिमम, मतलब इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए ओमेगा मैक्सिमम से, ठीक है तो क्या करेगा वो स्टेशनरी रह के और प्लेटफॉर्म के साथ रोटेट करता रहेगा, आगे होगी पास समझ में, ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम फिटेड विद अ लाइट स्प्रिंग fitted with a light spring ठीक है एक ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग अटैच है ऑफ स्टिफनेस के स्टिफनेस मीन्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बनाए अपन को ठीक है स्टिफनेस के एंड नेचुरल लेंथ एल नॉट एंड नेचुरल लेंथ एल नॉट स्प्रिंग की लेंथ अपन को गिवन है कितनी है एल नॉट है ठीक है मास कितना है स्मॉल एम है और स्टिफनेस मीन्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के है आगे बोल रहे दैट इज कैप्ट ऑन अ स्मूथ रेडियल ग्रूव इज कैप्ट ऑन अ स्मूथ रेडियल ग्रूव ठीक है रेडियल ग्रूव के अंदर ये बनी हुई लगी हुई है ग्रूव क्या होता है मान लो अपने पास कोई प्लेटफॉर्म है वुडन प्लेटफॉर्म है इसके अंदर क्या है मैं थोड़ी सी जगह बना दूं
है ना, थोड़ा सा मानो वुडन प्लेटफॉर्म है तो थोड़ी सी देर से लकड़ी हटा के और इसके अंदर ऐसी कोई नाली जैसी शेप बना दूँ, है ना, मतलब कोई भी जगह बना दूँ, है ना, डिक करके इसको, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रूव बोलेंगे। ठीक है, तो कोई ग्रूव ऐसा बना हुआ है इसके अंदर, तो क्या वो बोल रहा है कि भाई मेड ऑन अ डिस्क, मेड ऑन अ डिस्क, मेड ऑन अ डिस्क रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली, ब्लॉक इज रिलीज स्लोली, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम साथ में गिवन है मुझे, क्या कह रहा है डायग्राम, डायग्राम मुझसे ये कह रहा है कि भाई एक मेरे पास क्या है, ये डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क होगी, सर्कुलर डिस्क के अंदर क्या बना दिया है, सर्कुलर डिस्क के अंदर ग्रूव बना दिया है, ठीक है, ये तो इसका सेंटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक एम मास का ब्लॉक है फिटेड विद अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, नेचुरल लेंथ एल नॉट, कैप्ट ऑन स्मूथ रेडियल ग्रूव मेड ऑफ डिस्क, तो ये ग्रूव बना दिया इधर, एक ग्रूव इधर जगह बना दी है ना इसके अंदर, थोड़ा सा डिक करके एक ग्रूव बना दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इस ग्रूव बना दिया तो क्या है, ये स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग लगा दी अपन ने इसके सेंटर के साथ, और इसके साथ ही क्या अटैच कर दिया, एक ये एम मास का ये ब्लॉक अटैच कर दिया, ऑब्जेक्ट जो भी था, ठीक है। अब ये स्प्रिंग ये अटैच किया है तो ग्रूव के, अगर ग्रूव के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये ऐसे करके मूव कर सकता है इजीली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई इसको किस ओमेगा वेलोसिटी से, अच्छा अपना जो प्लेटफॉर्म है या जो डिस्क है वो क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वर्टिकल एक्सिस ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैंने ब्लॉक को क्या किया, रिलीज कर दिया स्लोली, तो ब्लॉक को अगर स्लोली रिलीज कर दिया तो फिर कितना मैक्सिमम एलोंगेशन इसके अंदर हो सकता है, ये मुझे बताना है, ठीक है, बता सकता हूँ क्या क्या होगा। मान लो ये रोटेट करे, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, इसको अपन ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या होगा कि भाई इस पर एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर आ जाएगा एलोंगेशन, और स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आएगा तो स्प्रिंग क्या लगाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल टू के एक्स, किधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर एफ इक्वल टू के एक्स लगेगा इधर, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो अपनी जो स्प्रिंग है वो ये है, ठीक है। अब जो स्प्रिंग है ना उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, एल नॉट है, ठीक है, रोटेट करने के बाद ये एल नॉट है इसकी एक्चुअल लेंथ, तो रोटेट करने के बाद लेट ये जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट होता है, एलोंगेशन होता है, और ये एल नॉट तो थी पुरानी वाली, और ये एक्स्ट्रा हो जाती है कितनी, एक्स इतनी होगी। अब जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो कितना लगता है, एफ इक्वल टू के एक्स लगता है, इतना ही लगता है ना, एफ इक्वल टू के एक्स,
भाई उसको एक्चुअल लेंथ से कोई मतलब नहीं है, जितना एलोंगेशन हुआ है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेंथ में चेंज हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एफ इक्वल टू के एक्स, ये अपना पार्टिकल है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये के एक्स, तो ये अंदर खींचेगा इसको और ये इस पर लगेगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर और ये आर, ठीक है। अब एक बार एलोंगेशन हो गया तो एलोंगेशन होने के बाद तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब एलोंगेशन होने के बाद के एक्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर मीन्स टोटल रेडियस आती है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस। अब कितना डिस्टेंस हो गया, एल नॉट प्लस एक्स, दैट मीन्स के एक्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स। क्या फाइंड करना है, एलोंगेशन एक्स फाइंड करना है। कर सकते हैं क्या, कर दूं सॉल्व, के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट एंड प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई और फोर्स तो है ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है, स्मूथ ग्रूव है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इधर ले लो इसको, के एक्स माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। एक्स फाइंड करना है, के माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एलोंगेशन क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा के माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी द एलोंगेशन एक्स इन द सॉरी दिस विल बी द एलोंगेशन एक्स इन द स्प्रिंग। कितना आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में, इतना एलोंगेशन इसके अंदर हो जाएगा। इस तरह अपन सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। देखें, एक क्वेश्चन और देखो, एक वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, वर्टिकल सर्कल जो अपन ने कल किया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, धीरज, स्मॉल स्फीयर, अ स्मॉल स्फीयर टाइड टू द स्ट्रिंग, टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.8 meter in describing a vertical circle, a vertical circle, vertical circle पे क्या करवा रहा है, इसको मूव करवा रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस in the string, are in the ratio 3:1, मतलब वर्टिकल सर्किल पे जब मोशन हो रहा है ना, तो मोशन इस तरह हो रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो टेंशन है ना, उनका रेशियो कितना है, 3:1 है। अच्छा, याद है अपन को मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती थी, मैक्सिमम टेंशन होती थी जब नीचे होता था, है ना, लोएस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन कहाँ होती थी, हाईएस्ट पॉइंट पे, उनका रेशियो मुझे दे रखा है। आगे बोल रहा था, फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग
इज एट अ हाइट ऑफ 5.8 मीटर। ठीक है, सेंटर जो है ना, जिस सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है उसका सेंटर कहाँ है? ग्राउंड से 5.8 मीटर पे है। ठीक है भाई, ऐसे बोल रहा है ग्राउंड से, ठीक है, मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ए तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और बी क्या पूछ रहा है? बी ये बोल रहा है if the string suddenly breaks at the lowest position, when and where will the sphere hit the ground? ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो उसको, कि एक स्मॉल स्फीयर है, उसको अपन ने टाई किया है किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ, जिसकी लेंथ है कितनी? 0.8 मीटर। ठीक है, जो क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है। ये अपना वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, इस वर्टिकल सर्कल में अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक स्मॉल स्फीयर है, वो टाइट है, ये स्फीयर अपना यहाँ हो गया, स्ट्रिंग के साथ टाइट है, टाइट है, लेंथ कितनी है? 0.8 मीटर। तो इसकी ये क्या हो गई? ये लेंथ हो गई, कितनी है? 0.8 मीटर। ठीक है, अब 0.8 मीटर है और ये क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। सो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 3:1। अब देखो, मुझे पता है कि भाई जो मैक्सिमम टेंशन होती थी वो तो कहाँ होती थी? लोएस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन होती थी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो लेट ये पॉइंट तो मेरा हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया मेरा बी। तो टेंशन एट ए तो क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है, और टेंशन एट बी कितनी होगी? वो मैक्सिमम होगी, वो लोएस्ट पॉइंट पे। पढ़ा था ऐसा अपन ने पहले। तो इधर तो टेंशन लगेगी बी पॉइंट पे, कैसी? मैक्सिमम, ए पॉइंट पे मिनिमम। क्या बोल रहा है मुझे? मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो, मैक्सिमम टेंशन मतलब टी बी और मिनिमम टेंशन मींस टी ए का रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है, दैट मींस जो टी बी है दैट इज इक्वल टू 3 TA, इक्वेशन फर्स्ट। ये रिलेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भाई ये मिनिमम टेंशन मैक्सिमम टेंशन इसके अंदर लगेंगे 3:1 है, फिक्स्ड एंड है स्ट्रिंग का, उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? नीचे ग्राउंड है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या हो गया? सेंटर हो गया इस वर्टिकल सर्कल का, वो ग्राउंड से कितना है? 5.8। तो 0.8 तो इसकी रेडियस ही है, तो मतलब ग्राउंड से और ये लोएस्ट पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा? ये 5 मीटर। ठीक है, फिर आगे ये बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी तो अपन फाइंड कर देंगे लोएस्ट पॉइंट पे, कि अगर स्ट्रिंग सडनली ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होगी लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो पूछ रहा है when and where विल द स्फीयर हिट द ग्राउंड, मतलब यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है जहाँ? सामने, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, ठीक है, ये पाथ कवर करेगा, ठीक है, और प्रोजेक्शन से इस पॉइंट पे जाके ये हिट करेगा। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है एक तो कितना है, और ये कब गिरेगा जाके, मतलब टाइम पूछ रहा है बैठते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे टेंशन दे रखे हैं, टेंशन का रेशियो दे रखा है, तो टेंशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, भाई ये
एम मास है इसके अंदर, एम मास का स्फीयर है, वेट फोर्स एम जी डाउनवर्ड्स लगेगा, अब साइड में टेंशन बी पॉइंट पे टी बी, ठीक है, और साथ में क्या लगेगा, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल, वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे, लेट इस पॉइंट पे वेलोसिटी यू है और ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, डिफरेंट होगी पता है अपन निकाल चुके हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इस पॉइंट के लिए टी विल बी इक्वल टू एम जी, कौन सा है ये टी बी, ठीक है, टी बी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा आर, इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। हाइएस्ट पॉइंट को देखो, ये अपना हाइएस्ट पॉइंट, ये नीचे टेंशन वेट फोर्स एम जी भी नीचे ही लगेगा, और अब साइड में क्या हो जाएगा अपना ये वेलोसिटी वी है तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम में तो है ही, उसी पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टी प्लस एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, टी टेंशन कौन सी है टी ए, तो टी ए विल बी वॉट एम बी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस का क्या हो जाएगा एम जी, इक्वेशन कौन सी हो गई थर्ड, ये मेरी टी ए और टी बी की वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब रेशियो गिवन है मुझे टी बी और टी ए का कितना है 3:1, तो दैट मीन्स टी ए इक्वल टू है क्या, सॉरी टी बी इक्वल टू है क्या 3 TA, वैल्यूज पुट करो टी बी एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर, ये है टी ए टी बी इक्वल टू 3 TA, टी ए कितनी है भाई, ये रही एम बी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस का क्या हो जाएगा एम जी, सॉल्व कर रहे हैं इसको, एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, जी प्लस यू स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 V² अपॉन आर और माइनस का क्या हो जाएगा 3G, यही आएगा क्या, ठीक है भाई, 3 एम तो कैंसिल आउट हो गया सब जगह से, सॉल्व कर लो आर एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा ये आर जी प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 V² और माइनस का क्या हो जाएगा 3G, ठीक है, एलसीएम आर लिया है तो ये हो जाएगा 3 RG, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 4th। अब देखो मैंने ये वी और यू का रिलेशन एक निकाल दिया, यहाँ से जो मुझे रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था ना वहाँ से वी और यू का रिलेशन निकल गया। अब क्या है मुझे जो यू की वैल्यू फाइंड करनी है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो एक और रिलेशन चाहिए, वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है, तो वी की वैल्यू यार पुट करनी पड़ेगी भाई, तो वी की वैल्यू कैसे आएगी, एक और रिलेशन निकालो वी और यू का, वो कैसे निकलेगा, वो निकालेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। वर्टिकल सर्कल की जो डेरिवेशन अपन ने सॉल्व की थी वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करी थी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है वही लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी एनर्जी है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी वी वेलोसिटी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी, और बेस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है आर प्लस आर कितनी हो गई 2 R रेडियस, ठीक है, और इक्वल टू एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, एच जीरो हो जाएगा, अपनी वेलोसिटी यू है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mu² हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको क्या हो जाएगा, दिस विल बी m तो कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी v² / 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 GR और इक्वल टू क्या हो जाएगा u² / 2, ठीक है, 2 PLCM ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ये v² + 4 GR इक्वल टू क्या हो जाएगा u², तो मेरे पास जो v² है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी u² माइनस का 4 GR, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 5th, ठीक है, आ गई क्या v की वैल्यू, v² की वैल्यू पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 4 में, वहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ, सॉल्व करो तो क्या हो गया ये RG + u² इक्वल टू 3 V² 3 V² की वैल्यू कितनी है ये रही u² माइनस का 4 GR और माइनस का क्या हो जाएगा 3 GR या RG कुछ भी लिखते की बात है, सॉल्व करेंगे इसको RG + u² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 U² माइनस का 12 RG, ठीक है, 12 GR इसको भी GR लिख लो, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 GR हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया ये इधर गया ये अपना इधर आ गया माइनस का
सॉरी ये इधर गया तो 2u² इक्वल टू क्या आ जाएगा 12gr प्लस का 3gr और प्लस का gr कितना हो जाएगा 16। तो u² इक्वल टू क्या हो जाएगा 8gr। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 8gr हो जाएगा। तो u की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो अंडर रूट 8, g की वैल्यू 10 और r की वैल्यू कितनी है 0.8। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा 64। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे कि भाई ब्रेक हो गई लोएस्ट पॉइंट पे तो कब और कहां जाके ग्राउंड को टच करेगी, कैसे निकालेंगे? सिंपल काइनेमेटिक्स लग जाएगी। कितनी हाइट है 5 मीटर, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, एस इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना लगेगा वर्टिकल हाइट कवर करने में, प्लस जी। ठीक है, और यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी इसको मिलेगी यू, वो मुझे गिवन है, कितनी है 8। भाई 8 की वेलोसिटी यहाँ थी ना लोएस्ट पॉइंट पे, तो वो 8 की वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास है वेलोसिटी इनिशियल, है ना, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या टाइम निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा इजीली टाइम? ठीक है, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यू जो है वो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में है, ओनली यू एक्स है ना 8, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो क्या होगी यू वाई, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर कर दूँ, ये तो यू तो 0 हो गया, टी निकालना है मेरे को, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2s/g। एस की वैल्यू है 5 मीटर, जी की वैल्यू है अपने पास, पुट कर सकते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे आ जाएगा एस 5 मीटर है, अंडर रूट 2s/5m/g 10, टी क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, मतलब ग्राउंड को कितने टाइम में हिट करेगा ये 1 सेकेंड में करेगा। कहाँ करेगा, एक्स फाइंड करना है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, याद करो कौन सा मोशन है ये, अरे प्रोजेक्टाइल वाली तो केस है ये, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जितना टाइम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में, तो सिंपली मेरे जो डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 8, टाइम 1, तो 8 × 1 कितना आ जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब कहाँ जाके हिट करेगा ग्राउंड को, सेंटर से 8 मीटर दूर जाके हिट करेगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो इस तरह अपन वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशन के बेस पे एनर्जी कंजर्वेशन भी उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन हैं उनको आप करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो करें इस टॉपिक को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।